फिर हमें जी को दिखाती है। जी जो होते हैं तुई से मिलने के लिए मेडिकल जाती है फ्लावर लेके, फिर वो उसके कमरे के दरवाजे खोल के अंदर घुसती है। वो देखती है कि तुई बेड पे होती है। तुई को होश आ जाती है और तुई कहती है कि तुमने मुझे क्यों मारा। ये बात सुनने के जी कहते कि मैंने जान बुझकर नहीं मारा। फिर तुई कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जी उससे पूछती है कि कहाँ दर्द हो रहा है, फिर वो उठ जाती है। उठने के बाद जी को समझ में नहीं आ रहा था, वो नर्स को बुला रही होती है कि डॉक्टर नर्स जल्दी आओ। फिर वो आगे पीछे देख रही होती है, तब तुई उसके हाथ पकड़ लेते और कहते कि तुमने मुझे मार डाला। ये बात सुनने के बाद जी कहते कि मैंने जान बुझकर नहीं किया, मैंने कहा ना। लेकिन तुई जो होता है वो जी की बात को विश्वास नहीं करता है। वो जी का हाथ पकड़ के रखता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। ये देखकर जी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तू एक ही बार रिपीट कर रहा होता है कि तुमने मुझे मारा। जी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है, तो उसे पता चलता है कि वो तो सपना देख रहा होता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो जी के घर में आती है। वो अंदर आकर देखती है तो जी नहीं मिलता। वो देखती है कि फ्रिज खोला हुआ है और वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो जी को ढूंढने पर जी जो होती है वो अपनी बालकनी पर आइसक्रीम खा रही होती है, क्योंकि जी जो होती है वो टेंस में होती है। जी की फ्रेंड जी से कहती है कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, आवाज दे रही थी, तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। फिर जी कहती है कि देखो मेरे घर में कौन आया, एक बुरी प्रिंसिपल मैडम। ये जी ये कहकर मजाक करती है अपनी फ्रेंड के साथ। जी की फ्रेंड कहती है कि तुमने किसे कहा प्रिंसिपल। हाँ, फिर जी कहती है तुम्हें, तो वो जी को भगाता है। फिर जी को कहती है कि आइसक्रीम को मुझे दो। एक दूसरे से वो दोनों छीना छीनी कर रहा होता है, तब उस टाइम को सुखी पहुंच जाता है। सुखी बहुत सारा खाना लेके आते हैं और जी को कहती है कि तुम जितने खाने मानो सब खा लो, ये चिंता मत करना कि तुम मोटी हो जाओगी। ये बात सुनने की जी बहुत खुश हो जाता है और जी अपनी फ्रेंड से कहते हैं कि सुखी तक मुझे खाने के लिए अलाउड कर रहा था, तो मेरी आइसक्रीम वापस करो। आइसक्रीम छीन लेता है और जी जब खा रही होती है तो उसकी फ्रेंड आके उसे डिस्टर्ब करता है मजाक में। तो जी कहती है कि डिस्टर्ब मत करो मुझे, मुझे खाने दो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना डिस्टर्ब थी, इतना बुरा सपना देखा था मैंने। और वो कहती है कि मैंने सपने में देखा कि मैंने किसी को कार से चेप दिया। जी की कार से रियल में एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन जी को ये सब सपना लगता है क्योंकि उसके स्टेपफादर ने उसे ड्रग्स के इंजेक्शन दी थी, इसलिए उसे सब कुछ भी अच्छे से याद नहीं होती, उसे लग रहा था कि सपना है। और ये बात सुनने के जी की फ्रेंड और सुखी जो होते हैं वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सच में एक्सीडेंट हुआ था और जी को लग रहा है कि ये सब सपना है। जी लंच करने के बाद सोफे पे जाके बैठती है तो दाव आती है और दाव पूछती है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं, रात में क्या हुआ था। जी कहती है कि मुझे इतना याद है मैं पार्टी पे थी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, वो दाव से पूछती है। ये बात सुनने के सुखी कहती है कि नहीं तुमने कुछ नहीं किया, तुम ड्रंक हो गए थे। तुम ड्रंक होने के बाद इनकी इतनी इंसल्ट की सबके सामने, मुझे तो बहुत मजा आया। और तुम्हें पता है रिपोर्टर को पेका ने रोक लिया, नहीं तो हम दोनों फ्रंट पेज में होते आज। ये बात सुनने के दाव जो होता है सुखी की तरफ देखते हैं, क्योंकि दाव को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहा है सुखी। सुखी की बातें सुनने के दाव को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। सुखी जी को मेडिसिन देता है और सुखी जो होता है वो कहते हैं कि खा लो। जी जो होता है वो मेडिसिन को खा लेती है। फिर सुखी कहती है कि अभी तुम रेस्ट करो, उसे सुला देती है। फिर जी की फ्रेंड दाव जो सुखी को साइड पे ले जाता है और पूछता है कि लास्ट नाइट क्या होता मुझे बताओ। सुखी उसे सारे बात बता देते हैं। फिर सारी बात सुनने की बात दाव जो होता है वो घबरा जाती है और वो जोर से कहती है कि ड्रग्स। उसके बाद सुनने की बात सुखी कहती है कि जोर से मत चिल्लाओ, जी सुन लेगी। दाव कहती है कि जी को किसने ड्रग्स दिया, कि तुमने ये सब बात पुलिस को बताया। ये बात सुनने की सुखी कहती है कि मुझे पता नहीं, मैं उसे पकड़ पुलिस को दे देता मुझे पता चलता तो। मैंने स्टेपन से बात की, स्टेपन जो सारे इंजीनियर के मान के वो अभी पुलिस स्टेशन पे है, मुझसे जितना हो सका मैंने किया, अब मुझे पता नहीं कि क्या करूं। ये बात सुनने की दाव कहती है कि तुम्हें पता है कि वो ड्रग्स क्या था जिसके कारण ये सब भूल चुकी है। सुखी कहते हैं कि मैंने सुना इसको पोलोमाइट नाम का ड्रग्स है जिसको लेने पर सारा मेमोरी लॉस हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छा बात यह हुआ कि पुलिस हमसे पहले हमें जी को लेके पास चले गए। और तुम भी जी को ये सब बात मत बताना, मैं बहुत जल्द सारे मुसीबतों का हाल निकालूंगा। दाव कहती है कि किसी ने देखा तो नहीं, किसी को पता तो नहीं है ये सब के बारे में। सुखी दाव से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं भी सुखी हूँ, सबका मुंह मैं बंद कर दूंगा। हम फिर हमें पिंक का असिस्टेंट को दिखाता है। पिंक का असिस्टेंट जो होता है वो दौड़ कर पिंक के सामने आता है और कहते हैं कि मैंने सुना है कि जी का जितना भी बुकिंग है, जितने भी इवेंट है, सब कुछ को कैंसिल कर दिया है सुखी ने। और इवेंट में अपनी तरफ से कुछ प्रोवाइड भी किया है ताकि इवेंट के लोग उसे बुरा ना माने नहीं आने के लिए। और ये बस सुनकर पिंक कहती है कि जो न्यूज़ फैल रहा है मुझे लगता है कि वो न्यूज़ सच है, कि उन्हें सच में किसी को हिट किया अपनी कार से और सारे इंजाम अपने ड्राइवर के ऊपर डाल दिया। पिंक के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि जिस भी रिपोर्टर ने जी के बारे में लिखा ये सब रूमर्स के, वो रिपोर्टर आज केबिन आ रहे हैं। उसके असिस्टेंट कहते हैं कि हाँ ये सारे रिपोर्टर आ रहे हैं। पिंक के असिस्टेंट पिंक को कहती है कि तुम इंटरव्यू देना चाहो तो मैं रिपोर्टर को बात करूंगी। ये बात सुनकर पिंक कहती है कि नहीं मैं इंटरव्यू देना नहीं चाहती हूँ, अचानक से मेरे दिल में ना रिपोर्टर के लिए बहुत ज्यादा प्यार बढ़ गया है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है वो अपने असिस्टेंट को नहीं बताता है। फिर हमें सुखी को दिखाया जाता है। सुखी जो होता है वो चियांग के साथ जाता है और कहते हैं कि तुम रिपोर्टर से बात करो और रिपोर्टर को तुम इंटरव्यू दो। और एक रिपोर्टर जो मुझसे पूछ चुका और मैं भी कह चुका हूँ, मैंने उन सबको बताया कि जी सारे टाइम सुखी के साथ इवेंट में थी और जी ने ये एक्सीडेंट नहीं किया, लेकिन मेरी बात को कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है। ये बस सुनकर सुखी कहते हैं कि मैं क्या करूँ, ये पिंक भी ना पिंक को मैं एक थप्पड़ मारूँ ये सोच रहा हूँ, उसने ये सब गड़बड़ कर दिया। मीडिया को क्या क्या कहकर मीडिया को पता चल जाएगा कि सच में जी ने एक्सीडेंट किया, तो मैं क्या करूँगा, जी को मैं कैसे बचाऊंगा। ये सुनने के बाद चियांग जो होता है शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको तो बताया गया था सुखी ने कि एक्सीडेंट जी ने नहीं किया। चियांग सुखी से पूछता है कि तुमने अभी क्या कहा, तुमने जो कहा मैंने सुना, सच में क्या ये जी ने हिट किया। सुखी जो ऊपर नर्वस हो रहा होता है और चियांग कहते हैं कि मुझे सच बताओ कि किसने मारा उसे। सुखी कहते हैं कि हाँ जी ने ही हिट किया। ये बात सुनकर चियांग जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि सुखी ने उसे झूठ कहा था। सुखी चियांग को सारी बात बता देते हैं उस रात क्या हुआ था, जी को किसी ने ड्रग्स दिया था। ये बात सुनकर चियांग जो होता है बहुत शॉक हो जाता है, फिर भी गुस्सा होता है वो। सुखी उसे मना लेते हैं और अपने साथ देने को कहता है, वो भी मान जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी हम क्या करें। सुखी कहता है कि पिंक जो टारगेट कर रहा है मीडिया में जी के बारे में बोलकर, मैं भी ऐसे ही करूंगा, जी के बारे में अच्छा ही बोलूंगा मीडिया में और जी को प्रोटेक्ट करूंगा। पिंक रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रही होती है और कह रही होती है कि उस रात पार्टी के बाद मैंने देखा था जी अपनी गाड़ी से खुद से ड्राइव करके जा रही थी, लेकिन एक्सीडेंट का मुझे कुछ पता नहीं, ये तो आप ही पता कर लो और मैं इसमें बोलना भी नहीं चाहती हूँ, आप ही खुद देख लो। ये क्योंकि वो इनडायरेक्ट जी को ब्लेम कर रही होती है। और फिर हमें हित को दिखाता है। हित जो होता है टीवी पे देख रहा होता है पिंक का इंटरव्यू और इंटरव्यू देखते बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। हित तुई की माँ के लिए कॉफी लाती है और तभी वहाँ पियक पहुंच जाती है। पियक जो हित से पूछती है कि तुई कैसा है, हित बताते हैं उसे कि अभी तो होश नहीं आया, डॉक्टर ने कहा हमें वेट करने को। तो पियक कहती है कि तुम भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुई बहुत अच्छी इंसान है। फिर वो कहती है कि मेरे पापा ने कहा है कि तुई के जितने भी खर्चे हैं मेडिकल के सब पापा देंगे, तुई की मैं मना कर देती है।
दिव्या उसे कहती है कि हित उसके भाई जैसा है, इसलिए आप मना मत कीजिए। फिर तुई की माँ मान जाती है और उसे थैंक यू कहते हैं। हित कहता है कि जब तुई ठीक हो जाएगी तो मैं ठीक को लेके आऊंगे घर पे थैंक यू कहने के लिए। तब हम देखते हैं कि तुई के रूम से एक नर्स निकलता है और वो डॉक्टर को चिल्ला रहा होता है कि तुई की तबीयत खराब हो रहा है। तुई की माँ और हित बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर हमें जी को दिखाया जाता है जिसे सपने से डर कर उठती है और उसे वही सपना दोबारा आता है। वो उठकर सोचती है कि ये सपना मुझे दोबारा क्यों आया है। फिर वो टीवी देखने के लिए रिमोट उठाती है तो वहाँ दो हो जाता है और दाव उसे रोक लेता है। उसके फ्रेंड जो होते हैं उसे टीवी देखने नहीं देती है, टीवी देखने से वो जान जाएगी न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है। दाव बहाना करती है कि नेटवर्क ठीक नहीं है, टीवी नहीं चल रहा है, सिग्नल नहीं आ रही है, क्योंकि उसके हाथ से रिमोट ले लेती है और चुपके से केबल का कनेक्शन भी निकाल लेती है। जी बहुत बोर हो रही होती है तो वो टेप निकलती है और टेप पर वो इंटरनेट में वीडियो देखती है। तो वहाँ उसे सुखी का वीडियो भी मिलता है जो इंटरव्यू दिया था सुखी ने, और वो वीडियो को ऑन करके देखता है तो उसमें सुखी कहता है कि जो भी इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हो कार हिटिंग केस में, उसमें जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये बात सुनने के जी जो होते हैं उसे सब कुछ याद आ जाता है उस रात में। उस रात वो सुखी को बाय कहकर वैसे चली गई थी, वैसे जाने पर उसके इस्तीफा ऑर्डर मिला था, उसे ड्रग्स का इंजेक्शन दिया था, वो सारी बात उसे याद आ जाता है। जिसे गलती से एक्सीडेंट हो गया था और वो बात भी इसे याद आ जाता है। उस इंसिडेंट को याद करके जी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने कमरे में बैठ के बहुत रोती है। तुई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, ही तो उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आती है और तुई की माँ पूछते हैं कि उसकी बेटी सेफ तो है, तो डॉक्टर कहते हैं कि सॉरी ये कहकर चले जाते हैं। और तुई की माँ जो होते हैं ये सुनने के बाद बेहोश हो जाता है और हित जो बहुत ज्यादा रोता है और सारे लोग सकमे में होते हैं। फिर अपने हस्बैंड शियांग को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ में हो, तुम अपने फेवरेट एक्ट्रेस के साथ हो तो उसे बता दो, अपने मैनेजर को बोलकर अच्छे से प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे क्योंकि अभी वो जेल जाने वाली है, ऐसे वो सरकास्टिक वे में कहती है। ये शियांग ड्राइव कर रहा होता है तो अपने कार को रोक लेता है और कहते हैं कि क्या इसकी मतलब तुई नहीं रही। फिर हमें हित को दिखाता है, हित जो तुई के सामने बैठा होता है और अपने और तुई के पुराने मोमेंट को याद करता है और बहुत रोता है। फिर गुड बाय कहकर तुई की फोरहेड पे किस करता है। जी फ्रेंड जो जी को मिलने के लिए उसके घर आती है तो देखती है कि जी बाहर निकल रहा होता है, तो जी को पूछती है कि कहाँ जा रहा है, तो जी कहते हैं कि मैंने जो कहा था ना मैंने किसी को मारा, सपना देखा था वो सपना नहीं था, वो सच में मैंने किसी का एक्सीडेंट किया था और मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, इसलिए इनको मैं बिलम लेने नहीं दूंगी। ये कहने के बाद दाव उसे रोकता है, दाव कहते हैं कि सुखी सब कुछ क्लियर कर रहे हो तुम चिंता मत करो, लेकिन जी दाव की बात नहीं मानती और जाओ को थेल कर वहां से निकल जाती है। तो वो जा ही रहा होता है, उसकी माँ आ जाती है और कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो कहते हैं उसकी माँ को कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। ये सुनने को उसकी माँ जो होते हैं उसके हाथ पकड़ के उसे थेल देती है और कहती है कि तेरी कारण मैं आज कोई भी इवेंट्स नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये सुनने के बाद जी कहती है कि मैंने तो तुमसे हेल्प नहीं मांगा, ये कहकर वहां से वो चली जाती है। दाव जी के पीछे जाता है और जी को रोकता है कि तुम ऐसा कदम मत उठाओ, तो उसकी माँ पीछे से आके कहती है कि इसे जाने दो और कहने दो, वैसे भी ये खुद तो जेल जाएगी साथ साथ में, स्टेफन और सुखी भी जाएगा झूठी गवाही देने के लिए, तुम तो खुद की लाइफ खराब कर ही रही हो और साथ साथ उन दोनों की भी लाइफ खराब कर दोगी। तेरी लाइफ में जो भी हो रहा है ना उन सब के पीछे तेरी ही गलती है, तुमने ही ये मिस क्रिएट किया है। माँ कहती है कि तुमने अभी तक अपने ड्रामा भी कंप्लीट नहीं किया, शूटिंग भी चल रहा है, उस कंपनी को भी कितना लॉस होगा तेरी कारण, तेरे कारण सबको तकलीफ होगा, तेरे कारण सबको सफर करना पड़ेगा, तुम हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती हो और उसे सॉल्व नहीं करती हो, इस बात प्ले करो या फिर तुम ऐसे बेबी को रहो। ये सारी बातें सुनकर जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी माँ से कहती है कि मैं आपके रास्ते पे चलूं, सबके सामने अच्छे बंदे का नाटक करो और अंदर से बुरा सेल्फ रेस्पेक्ट, मैं आपकी तरह नहीं हूं। ये सुनकर जी की माँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और जी को थप्पड़ मारने करती है, जिसके हाथ को रोक लेती है। जी जाने के लिए करती है तो उसकी माँ चिल्ला के कहती है कि तेरे अंदर इतनी सेल्फ रेस्पेक्ट है तो तुम ये देश छोड़कर क्यों नहीं चली जाती हो, तेरे बारे में इतना बुरा बुरा न्यूज़ सुनने को मिलता है मुझे, लड़कों के साथ सोने वाली और ये करने वाली, मुझे कितनी इंप्रेसिंग फील होता है तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें हमेशा कितना सपोर्ट किया है, तुम्हें पैसे चाहिए ना मुझे कहो कितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हें उतना पैसे दूंगा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, तुम्हारे लिए मैं केयर करती हूं। जी अपनी माँ को कहती है केयर और तुम केयरिंग तुमने मुझे कब किया, तुम तो मेरा पीछा छोड़ना चाहते थे, तुम तो मेरी शक्ल देखने नहीं चाहते थे, मैं तो तेरे लिए बोझ थी ना, तुम्हें तो सिर्फ अपने खुद से प्यार था और प्यार है और हमेशा रहेगा, सोसाइटी में लोग तुम्हें भगवान समझते हैं लेकिन सच तो ये तुम एक लालची औरत हो, पैसे की लालची औरत और पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। ये बात सुनने की जी की माँ जी को एक थप्पड़ मारती है, फिर उसके दो साथ उसे रोकती है। जी की माँ कहती है जी से कि तुम मेरे बारे में इतने सब कुछ जानती हो ना, तो ये भी जानती होगी कि मैंने कभी केयरलेस से ऐसे गलती नहीं की। ये बात सुनने की जी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और वो उसकी माँ के सामने कहते हैं आपको पता है ये सबके पीछे किसकी गलती है, और वो उसकी इस्तीफा का नाम लेते हैं, उसकी इस्तीफा का नाम सुनने की उसकी माँ शॉक हो जाती है। फिर जी वहाँ से चले जाता है और उसकी फ्रेंड जो होती है उसके पीछे आती है और जी को रोकता है और फिर कहता है कि तेरे साथ क्या किया तेरी इस्तीफा ने मुझे बताओ, तो ये बात सुनकर जी कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे मेडिकल जाना है, मेरे कारण कोई मेडिकल में मुझे उससे मिलने जाना है। और ये कहकर जी वहाँ से जा ही रहा होता है तो वहाँ से शियांग आता है, शियांग जी से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो जी कहते हैं कि मैं मेडिकल जा रहा हूँ। फिर वो जाने के लिए करते हैं तो शियांग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर जी कहते हैं कि क्यों, तो शियांग कहते हैं कि वो लड़की जो है वो मेरे रिलेटिव्स की गर्लफ्रेंड है। जी शियांग को सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि मैंने जान पूछ के नहीं किया, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे उसके वहाँ ले जाओ, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ और मुझसे माफी मांगना चाहती हूँ। ये बात सुनकर शियांग कहते हैं कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी गुस्से में कहती है कि क्यों क्यों मुझे जाने नहीं दे रही हो। ये बात सुनने के बाद जो उसके दोस्त होते हैं दाव उसे कहते हैं कि जी प्लीज शांत हो जाओ, तो दाव को गुस्सा करता है और कहते हैं कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं किसी को सच बताऊं, तुम नहीं चाहते हो कि मैं मिलने जाऊं, तो करो तुम्हें क्या करूं। ये बात वो कह ही रहा होता है तो पीछे से चयन कहते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर जी शॉक हो जाता है, फिर वो चयन का तरफ देखता है और चयन से कहते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर गई। जी ये न्यूज़ सुनने के बाद सकमे में चली जाती है और बहुत रोती है। फिर हमें हित को दिखाते हैं, हित जो बहुत ज्यादा सहत होता है, रो रहा होता है, तो वहाँ वही पुलिस ऑफिसर आते हैं और हित को कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। ये बात सुनकर हित कहते हैं कि क्या तुमने पकड़ा है की मर्डरर को, वही लड़की मर्डरर है, तुमने उसे अरेस्ट किया कि नहीं किया। ये सुनकर ऑफिसर कहते हैं कि मैं उसे अरेस्ट नहीं कर सकता। फिर हित जो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कहते हैं कि तुम उसे क्यों अरेस्ट नहीं कर सकता। ऑफिसर कहते हैं कि बिना प्रूफ के मैं उसे अरेस्ट नहीं कर सकता। ये बात सुनकर हित कहते हैं कि तो तुम्हें प्रूफ देना चाहिए, जिस जगह तुई का एक्सीडेंट हुआ था उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेज है वो सारे चेक करो। फिर ऑफिसर से
कहता है कि जिस दिन दुर्ग का एक्सीडेंट हुआ उस दिन वो सारे कैमरे जो है वो काम नहीं कर रहे थे। ये बात सुनने के बाद हिज्जो शॉक हो जाता है। फिर हमें जी की माँ को दिखाया जाता है। जी की माँ जो होते हैं अपने हस्बैंड को थैंक यू कहते हैं सारे एविडेंस को मिटा देने के लिए। जी की फादर जो होते हैं वो अपने वाइफ को कहते हैं कि तेरी बेटी हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है और मुझे सॉल्व करना पड़ता है। पहले तो हर दिन लड़के चेंज करते थे और अभी दारू पी के ड्राइविंग कर रहा है। एक बात अच्छी है कि तेरी बेटी की लास्ट नेम मेरा सरनेम नहीं है, नहीं तो मैं शर्म से कहीं मुंह दिखाने का लायक नहीं रहता तेरी बेटी की हरकतों के कारण। जी की माँ कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं जी को डिसिप्लिन सिखाऊंगी आपके लिए। ये बात सुनने की बात उसके फादर जो होते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहते हैं डिसिप्लिन वो तो मेरे पास सुनती भी नहीं है। मेरी बेटी को उसके पेरेंट्स ने डिसिप्लिन ही नहीं सिखाया, मुझे लगता है कि अभी टाइम है तेरी बेटी को यहाँ लेके आओ तुम इस घर में एक साथ रहने के लिए। और वो बहुत गंदा हमें कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये सब सुनने की बात देखने के बाद जी की माँ जो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वो देखती है कि उसके पीछे में एक औरत होती है और ये सब बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। जी की माँ उस औरत को कहते हैं कि एक नौकर है, नौकर के समय रहो, तुम चुपकर हमारी बात क्यों सुन रही थी। ये बात कहने की बात वो वहाँ से जाने के लिए करती है तो वो नौकर जो होते हैं उसे कहते हैं कि तुम याद रखना जैसे तेरे हस्बैंड ने इतने लोगों को छोड़ा है वैसे ही तुम्हें भी छोड़ देगा। उस दिन मुझे बड़ा मजा आएगा और तेरे हस्बैंड तेरी जगह तेरी बेटी को लेके आएगा तो और ज्यादा मजा आएगा। जी की माँ कहती है उसने जितने भी लड़कियों को छोड़ा उन लड़कियों से मैं अलग हूँ, मैं उसे पैसे कमाने में मदद कर रही हूँ, वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता और तुम अपनी चिंता करो। तुम उसकी मसाज करती हो, पैर धोते हो, नेल काटते हो, तुम उसी हिसाब में रहो नीचे जैसे तुम उसके पैर के नीचे रहते हो। और तुम उसे रहना नहीं चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, निकाल जाओ इस घर से, मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करने के लिए हिम्मत मत करना। और ये सब कह के जी की माँ वहाँ से चली जाती है और वो औरत जो होती है वो जी की माँ के पीछे कह रही होती है कि क्या पता ये मौका मुझे भी मिले। हमें जी और चयंग को एक साथ दिखाता है। चयंग जो जिसे कहते हैं कि और सोचने का कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया। जी कहती है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, एक्सीडेंट किया और भाग गई मैं, और देखो मैंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लिया, किसी और को इंजाम लेना पड़ रहा है, मैंने इतना सब कुछ गलत किया, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। ये बात सुनकर चयंग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जाओ तुम रेस्ट करो और सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। वो जा ही रहा होता है, जी उसे रोक लेते हैं और पूछता है कि क्या तुम आज फनर पे जा रही हो। ये बात सुनकर वो कहते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ। तो जी कहते हैं कि मैं भी जाऊँगा। चयंग जो बोलते हैं कि तुम कैसे जाओगे, मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जाऊँगा। तो जी कहते हैं कि पहले तो तुम बताओ कि तुम मुझे अपने साथ अच्छे से लेके जाओगे या मैं खुद जाऊँ। ये बात सुनने की बात चयंग मान जाता है। फिर हमें तुई का फनर का सीन दिखाता है, वहाँ एक के सामने आकर ऑफिसर जो कहते हैं टेम्पल के है तुमसे बात करना चाहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं बात करूँ या तुम खुद बात करोगे। तो हित कहते हैं कि मैं खुद बात करूँगा, तुम यहाँ देखना सब कुछ, और ये कहकर हित वहाँ से चले जाता है। जी और चयंग वहाँ पहुँच जाते हैं तो कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि इसकी माँ ने इतने सारे कर्जे लेकर अपने फार्म को बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाया था और वो जॉब मिलते ही मर गई। ये बात सुनने के बाद जी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। फिर सामने से कुछ लोग जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो वही सेलिब्रिटी है ना जिसके कार के कारण तुई मरी है। ये सब सुनने के बाद भी जी हार नहीं मानती, वो अंदर जाती है और तुई की फोटो के सामने अगरबत्ती लेकर उसे माफ़ी मांगती है और वहाँ लगाती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि तुई की माँ वहाँ बैठी होती है, तुई की माँ को देख के उसे बात करने के लिए जाने के लिए करती है तो उसे चयंग रोक लेता है। लेकिन जी जो होते हैं वो चयंग को कहते हैं कि तुम्हें रास्ते से हटो, ये कहकर वो तुई की माँ से बात करने को जाता है। जी तुई की माँ के सामने जाते हैं और उसे माफ़ी मांगते हैं। तुई की माँ कहते हैं कि मैं तुम्हें पहचान गई हूँ, तेरे ड्राइवर से ही ये सब हुआ है। ये सुनने के बाद जी जो होते हैं वो तुई की माँ के पैर को पकड़ के माफ़ी मांगते हैं। तुई की माँ कहती है कि तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, ये सब तो तेरे ड्राइवर ने किया है ना। ये सुनने के बाद जी जो होते हैं वो कह नहीं सकती सच क्योंकि मीडिया में आ जाएंगे, बोर्ड फंस जाएंगे, इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपने ड्राइवर की तरफ से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। फिर वहाँ मोंग लोग आते हैं, चयंग जी से कहते हैं सारे मोंग आ चुके हैं, चलो हम चेयर में जाके बैठते हैं, और दोनों चेयर में जाके बैठते हैं। फिर मोंग जो होते हैं शुरू करते हैं अपने प्रेयर, तो उस टाइम को हित वहाँ आ जाते हैं और जब दरवाजा खोलते हैं तो वो जी को देखते हैं और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वहाँ वो जोर से कहते हैं मोंग को कि प्लीज़ प्रेयर बंद करें। फिर वो जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इस लड़की के होते हुए किसी को शांति नहीं मिलेगी, ऐसे चले जाओ, और वो चिल्ला के कहते हैं। जी जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसकी बात को इग्नोर कर रहा होता है। फिर चयंग जिसे कहते हैं कि चलो चलते हैं, उसके हाथ को पकड़ते हैं, लेकिन जी जो होते हैं चयंग को हाथ को फेंक देता है। फिर ये सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, हित जी के हाथ को पकड़ कर कमरे से बाहर ले जाता है और उसे धक्के देके नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि तुम क्या समझते हो, अपनी गलती की सजा किसी और को देते हो, किसी और को अंजाम लगाते हो। और ये बात सुनने के बाद जी जो होता है वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। और फिर हित कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही तुई को मारा है और तुम अपने ड्राइवर के ऊपर सारे इंजाम डाल दिया, तुम्हारी तरह सेल्फिश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। फर्स्ट टाइम तुमने जब मेरे एक्सीडेंट कराया था तब तुम अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को पैसे से खरीदने की कोशिश की थी ना, तुम्हें लगता है कि तुम इजीली सब कुछ पैसे से खरीद लोगे, ये वही पैसा है, तुम मुझे नहीं खरीद सकते। ये कहकर वो पैसे उसके ऊपर फेंकता है। जी को बहुत जोर से लगता है और चयंग जो कहता है कि ये बहुत हुआ। हित कहता है कि मैं प्रूव कर दूंगा, तुम ये देखना, और वहां से वो जाने के लिए करता है। तो जी उसे कहता है तुम जस्टिस की बात करते हो ना, तो तुम मुझे भी जस्टिस लाओ, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कौन गलत है कौन राइट है। हित जो है वो जी के सामने आता है और कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिला था तभी जान गया था कि सच क्या है। सरकस्टिक वे में वो ये कह के वहाँ से चले जाता है। और वहाँ कुछ लोग होते हैं जो ये सिचुएशन का फोटो और वीडियो उठाने की कोशिश करते हैं, तो चयंग जो जी को जल्दी से वहाँ से ले जाता है। फिर दोनों जल्दी से कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उन रिपोर्टर के हाथ में कुछ नहीं आता, तो वहाँ से एक रिपोर्टर जो होते हैं वो चयंग की वाइफ को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपके हस्बैंड जो है वो जहराबाद को लेकर आए थे ये फनर पे। ये बात जाने के बाद प्रियंक जो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और फिर वो जल्दी से कहीं जा रही होती है, तो उसके फादर जो होते हैं वो रस्ते में मिलते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो प्रियंक कहते हैं कि आपने तो न्यूज़ ऑलरेडी देख चुका है ना, तो उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ इसलिए मैं तुम्हें रोकने के लिए आई हूँ। प्रियंक अपने पापा से कहते हैं कि आपको क्या लगता है आप मुझे रोक लोगे। प्रियंक के फादर प्रियंक को समझाता है कि हमारे प्रोडक्शन हाउस में जो ड्रामा है जी कर रही है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उसके वजह से हम अच्छे खासे कमा रही है। ये बात सुनकर प्रियंक कहते हैं कि रिप्लेस करो, किसी और को ले लो, क्योंकि मैं उस लड़की को तो शूटिंग नहीं करने दूंगी। ये बात सुनकर प्रियंक के फादर कहते हैं कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, ये ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है इस ड्रामा के कारण, तुम्हें किसी और को पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं,
तुम्हें पनिशमेंट देना तो अपने हस्बैंड को पनिशमेंट दो, जेरापत को नहीं। प्रियम गुस्सा से चिल्लाती है तो उसके पापा कहते हैं कि मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ऑर्डर दे रहा हूँ। फिर हमें गाड़ी को दिखाया जाता है, वो गाड़ी से आगे जाता है फिर रुक जाता है। उस गाड़ी के दरवाजे खोलने पर सबसे पहले सुखी निकालते हैं, उसके बाद उसके पीछे जी होती है। सुखी पहले कार से नापता है, फिर वो जी को कहते हैं कि चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चयंग सुखी और जी के सामने आता है तो सुखी उसे कहते हैं कि तुम पहले जाओ, एक साथ नहीं जाएंगे। फिर जी और सुखी जो होते हैं वो एक साथ जा रहे होते हैं तो चयंग जो होते हैं वो सुखी को रोकता है तो सुखी कहते हैं कि प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि तेरी बीवी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करे जी के लिए। ये कहकर वो जी को लेके वहाँ से चले जाता है। जी और सुखी जो होते हैं वो जी के घर पहुंचता है तो वहाँ जी के फ्रेंड दाव होते हैं। जी के फ्रेंड दाव जो होते हैं वो जी से पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम फ्यूनरल में जा रहे हो। ये बात सुनने की वह जी जो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता तो मुझे जाने नहीं देते, इसलिए मैंने नहीं बताया। बीच में सुखी कहते हैं कि हम लोगों ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया था कि किसी को शक ना हो, लेकिन तुम ये सब हरकत करोगे तो लोगों को शक हो जाएगा। जी जो सुखी की बातों को अनसुना कर रहे होते तो सुखी को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि मैं सीरियसली कह रहा हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। जी सुखी को कहते हैं कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया और मेरे इंजाम को स्टेप क्यों लेने दिया, मैं खुद इंजाम लेता, मेरी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती। ये बात सुनने के सुखी जो बहुत जरा गुस्सा होता है और कहते हैं कि मैं कितने स्ट्रेस में था तुम्हें पता है। फिर सुखी जी को मनाने के लिए जी को कहते हैं कि प्लीज मेरी बात सुनो, ये कहकर उसके हाथ पकड़ कर उसे सोफे पे बिठाता है। जी सुखी से कहता है कि तुम मेरी बात पहले सुनो, मैं ऐसा नहीं रह सकती, मुझे तुई की माँ का देखभाल करना है। सुखी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन पहले कोर्ट में स्टेफन को बेगुनाह साबित हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना करो। जी कहती है कि ये इतना आसान नहीं होगा, कोई है जो हमें इतना आसानी से जीतने नहीं देगा। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनी का सुखी होते वो बहुत स्ट्रेस में आ जाती है। फिर जी की फ्रेंड जो होते हैं वो सुखी को काम डाउन करते हैं। चयन घर जा रहा होता है तो रास्ते में प्रियंक जो उसकी कार के आगे में अपनी कार को रोक देता है। चयन अपनी कार से नापता है और प्रिया भी अपनी कार से नापता है। चयन अपनी वाइफ को कहते हैं कि तुमने मेरे कार के आगे पार्क क्यों किया, वो भी रास्ते के बीच में। तो प्रिया कहते हैं कि सुखर मनो मेरी तय कार के ऊपर में पार्क नहीं किया। फिर प्रियंक जो होते हैं वो जी के बारे में बेहुदा बातें कर रहा होता है। ये सुनने के बाद उसके हस्बैंड जो कहते हैं घर चल के बात करते हैं, चलो घर चलो। चयन की वाइफ जो होते हैं वो चयन की बिल्कुल भी बातें नहीं सुन रहा होता है और सारे लोग जो रास्ते में होते हैं वो लोग हॉर्न बजा रहे होते हैं क्योंकि रास्तों के बीच बीच में दोनों ने कार पार्क किया होता है। चयन अपनी वाइफ को पकड़ कर साइड में ले जाता है समझाने के लिए। उसकी वाइफ जो गुस्सा हो जाती है और कहती है मैंने कहा ना ये मत करो। फिर उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें दिखा नहीं पा रहे कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है हम दोनों के कारण। ये बात सुनने उसकी वाइफ कहती है कि मुझे परवाह नहीं कि कौन किसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तेरे कारण रिपोर्टर ने मुझे 100 टाइम्स फोन किया ये बताने के लिए कि तुम फ्यूनरल में आए हो जी के साथ और मैं इधर तेरे लिए घर पे इंतजार कर रही थी। बताओ चयन तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, तुम एक मर्डर को फ्यूनरल पे लेके क्यों गया, तुम ऐसे क्यों करते हो, मुझे तुम इतने एंबरेसिंग फील कराते हो हमेशा, लेकिन इस बार तो तुमने हद कर दी, हिट को कितना बुरा लगा होगा ये सब देखकर। चयन अपने वाइफ से कहते कि मैं सिर्फ जी का हेल्प कर रहा था, ये बात तुमने समझोगी। फिर अपने हस्बैंड से कहते कि तुम्हें जी का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें हित का साथ देना चाहिए, हित ने किसी को खोया है, हित हमारी फैमिली है और वैसे भी तुम मेरे फादर और सुखी जितने भी प्रूफ कर लो कि जेरावत ने खून नहीं किया फिर भी हित उसे नहीं छोड़ेगा। और वैसे भी जी की हेल्प करने के लिए उसकी माँ है और उसके स्टेपफादर है जो कि कितने रिच है, लेकिन हाँ तुम एक बात बता दो, जी की माँ उसके स्टेपफादर जितने भी मिलकर एविडेंस बिता भी देना तो हित उसे नहीं छोड़ेगा। मेरी बातों को विश्वास नहीं है ना तो देखना। और फिर प्रिया जो होते हैं अपने कार को लॉक करके रास्ते के बीच में छोड़ के चले जाते हैं और सारे लोग हॉर्न बजा रहा होता है। चयन पीछे मुड़कर सबको रिक्वेस्ट करता है और माफी मांगता है। फिर हमें हित को दिखाते हैं, हित जो होता है सबूत इकट्ठा कर रहा होता है, उसके साथ पुलिस ऑफिसर भी होते हैं, वो उससे पूछता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तेरा सबूत मिलने पर, और हित जो होते हैं वो कुछ सोचता है। जी अपने घर पर होती है, बहुत स्ट्रेस पे होती है, उसकी फ्रेंड जो होती है वो एक मसाला लेके आती है। जी को कहती है कि ये देखो, जी पूछता है कि ये क्या है तो उसकी फ्रेंड बताती है कि तेरे जितने भी स्ट्रेस है उसे रिलीव करने के लिए उसके पैर को तानते हैं और फिर वहाँ रख देते हैं। जी मना करते हैं उसे, फिर भी वो वहाँ रख देते हैं और जी को मसाला पे पैर रखने के बाद बहुत ज्यादा हंसी आती है और दोनों मिलकर बहुत हंसते हैं। फिर जी की फ्रेंड जो होती है जी की पाव को मुंह देता है। जी को कहते हैं कि सच में रिलीफ हुआ और ये बात सुनने के उसकी फ्रेंड कहती है कि सच में, जी कहते हैं कि तुमने मुझे इतना बेटर फील कराया उसके लिए थैंक यू। फिर जी उसे किस करने की कोशिश करता है मजाक में और वो दाव जो होते हैं वो डर जाती है और वो बहुत भागता है। जी उसे भागाता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं। तब उसे एक कॉल आता है, अन्ना नंबर होता है तो जी उसे पिक करता है तो पता चलता है कि उसके इस्तेफादर का कॉल। इस्तेफादर कहते हैं कि तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे। ये बात सुनने के बाद जी होता है बहुत गुस्सा हो जाता है और वो साइड में चले जाते हैं। उसके फ्रेंड जो होते हैं उसे देख रहा होता है लेकिन जी दूर में जाकर बात करते हैं। ठीक है कि तेरी हिम्मत कैसे मुझे कॉल करने के लिए हरामखोर। फिर वो इंसान जो होते हैं उसे कहते हैं हाँ तुम मुझे ऐसे बुला सकते हो और वो फिर हंस के कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतना हेल्प किया, इतने सब कुछ में हेल्प किया तो क्या मुझे तुम थैंक यू नहीं कह सकते, नहीं तो अभी तुम जेल पे होते। ये बात सुनकर जी बहुत गुस्सा होता है और जी कहते हैं कि मैं जेल पे नहीं होता, जेल पे तुम होते क्योंकि तेरे कारण ही ये सब हुआ, तेरे कारण एक इनोसेंट इंसान मर गया और तुम क्या समझते हो खुद। क्योंकि फ्रेंड जो होते हैं वो साइड से सुन रहा होता है, जी उसे देखते हैं तो उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। फिर जी अपने इस्तेफादर को कहते हैं कि मुझे नहीं तुम खुद को बचाओ, मैं जेल पे नहीं तुम जेल पे हो गए याद रखना। ये बात सुनी उसके इस्तेफादर जो होते वो हंसते और कहते हैं कि मैं इतना बुरा और चालू इंसान नहीं होता ना तो आज मैं इस पोजीशन पे नहीं होता, सीधी तरह मेरी बात मान जाओ और मेरे साथ आ जाओ। और जी से गुस्से में कहते हैं कि सपने देखते रहो क्योंकि ये तेरी ख्वाहिश कभी पूरा नहीं होगा, याद रखना मैं तुम्हें अरेस्ट करा के रहूंगा, ये कहकर जी जो फोन काट देता है। फिर हमें हित और वो ऑफिसर को दिखाते हैं, हित जो होता है वो जी के कार को एक बंदे को चेक करने दे रहा होता है उसके जीपीएस को और जीपीएस को देखते हैं कि वो कहां से कहां गया। जी अपने फ्रेंड से कहते हैं कि मुझे कहीं जाना है लेकिन मेरी कार तो पुलिस स्टेशन पे है इसलिए मुझे तेरी कार चाहिए। उसके फ्रेंड से वो रोकता है लेकिन जी चली जाती है। फिर हमें हित को दिखाता है, हित जो होता है इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है दो बंदों के साथ। वो दो आदमी को बताता है कि सुखी ने इंटरव्यू में कहा कि पार्टी के बाद उसने ही उसे घर को ड्रॉप करने के लिए नीचे लेके आया था, लेकिन एक्ट्रेस पिंकी के हिसाब से सुखी जो झूठ कह रहा है और उसने खुद जी को देखा कार के साथ और मैंने भी तुई की फोन पे उसकी आवाज़ सुनी थी, कोई लड़की की आवाज़ थी और वो कोई नहीं जी है मुझे पता है और इतने सारे हमें कैमरा है इस कैमरे से पता कर सकेंगे हम जो। फिर उसके एक बंदा जो होता है वो कहते हैं कि ये कैमरा जो उस दिन काम नहीं कर रहा था क्योंकि कैमरा के जितने फोटो सिर्फ उस दिन के नहीं मिले। ये बात जानने के बाद हित कहता है कि एक कैमरा काम नहीं कर रहा, दो कैमरा काम नहीं कर रहा, यहाँ कितने हज़ार कैमरा है, आसपास के कैमरा कहीं तो काम कर रहा होगा, कहीं ना कहीं कैमरा में पता करो। फिर हमें जी को दिखाता है, जी जो होता है सबूत इकट्ठा करने के लिए उसी पार्किंग लॉट पे जाते हैं। फिर वहाँ वो एक आदमी को मिलते हैं, वो आदमी को पूछते हैं कि यहाँ सही सही फोटो है क्या, वो आदमी उसे दिखाता है और कहते हैं कि ये कैमरा एक ही कैमरा इधर और ये कैमरा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, इसलिए हमने टेक्नीशियन को बुलाया इसे फिक्स करने के लिए। ये बात सुनने के बाद जी कहती है कि तो ठीक है मुझे बता, उस रात जो दो एम्प्लॉय थे ना
जो कार का रखवाली कर रहा था वो दोनों कहाँ है? मुझे याद है दो लड़के थे, मुझे उन दोनों से बात करना है, उन दोनों को बुलाओ। फिर वो आदमी जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है। फिर हमें हिट को दिखाते हैं, हिट जो वही जगह पे आते हैं जहाँ पे जीत थोड़ी देर पहले आया होता है। फिर वहाँ से वो दो एम्प्लॉय के वही दो एम्प्लॉय के बारे में पूछते हैं। मैनेजर हिट को बताता है कि एक एम्प्लॉय तो उस दिन ही जॉब छोड़ दिया था और एक तो आज आया था लेकिन उसने भी जॉब छोड़ दी। ये बात सुनकर हिट कहती है कि कब? तो वो मैनेजर बताते हैं कि जब जी आया था उसके बाद। फिर वो जीरे बात का नाम सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। फिर हमें जी को दिखाते हैं, जी जो होते हैं वो उस बंदे जो जा रहा होता है रोकते और कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करना है। फिर वो लड़का कहते हैं कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं आता, मुझे जाने दो। लेकिन जी उसे रोकता है, जी उसे कहता है कि तुम एक ही इंसान हो जो मेरी मदद कर सकते हो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। वो आदमी जी को कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ पता नहीं। फिर वहाँ हीट पहुंच जाता है, हीट को मैनेजर दिखाता है कि वही लड़का है। वो लड़का हीट को देखने के वहाँ से भागता है। फिर वहाँ एक मोटर बाइक आता है, वहाँ बैठ के चले जाता है। जी उस आदमी के पीछे भागता है तो हीट उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके अपने तरफ टांगता है और कहता है कि तुमने जान उसके वीकनेस को भगाया ना। ये सुनकर जी कहते हैं कि वीकनेस? हीट कहती है कि हाँ वही वीकनेस, उस रात तेरी हरकतें देखी थी इसलिए तुमने भगा दिया। जी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो हीट कहते हैं कि तो बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, सारे एविडेंस को मिटाने आए हो ना तुम यहाँ? ये बात सुनकर जी जो गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि मैं यहाँ इसलिए आया था। फिर वो रुक जाते, वो नहीं बताते। फिर वो सोचते हैं कि वो हीट को नहीं बताएगा और हीट को कहते हैं कि छोड़ो मेरे हाथ। जी कहते हैं कि मैं यहाँ क्यों आए थे, इस बात से तेरा कोई लेने देना नहीं है। ये कहते वो जाने के लिए करते हैं तो हीट उसे जोर से पकड़ लेते फिर से और कहते हैं कि मेरा लेने देना नहीं तो किसका लेने देना नहीं है, तेरी कारण तू ही मरी है, ये बात याद रखना। तेरे ऐसे फालतू इंसान जो है ना वो तो हर जगह में जाकर ट्रैवल ही करता होगा। ये बात सुनने के बाद गुस्से हो जाते जी और कहते हैं कि तुम्हें इतनी जितनी भी एजम्पशन करने मेरे बारे में ना करो, पूरी सच्चाई नहीं जानकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें मुझे जेल भेजना है ना तो भेजो, जितने एविडेंस इकट्ठे करने ना करो। और ये क्योंकि वो उसे धक्का दे देता है, हीट को जरा गुस्सा हो जाता है और हीट कहते हैं कि मुझे चैलेंज मत करो, मैं क्रिक करके दिखाऊंगा। हीट के साथ जो लड़का होता है वो हीट को पकड़ लेते हैं और जी को वहां से जाने के लिए कहता है और जी वहां से चली जाती है। जी जब जा रही होती है तो हीट पीछे से चिल्लाते और कहते हैं कि तुम सच में गुनहगार नहीं हो तो मुझे बता तुम यहाँ क्यों आए थे। जी हीट की बात सुनकर बहुत जरा गुस्सा हो जाती है और वहां से वो चली जाती है और इसमें ही